सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो ये क्लास 11th हो गया, चैप्टर 11 और एक्सरसाइज मिसलेनियस हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर हो तो नाभिक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नाभिक, यानी फोकस ज्ञात करना है। तो ये देखो, पहले तो एक्स अक्ष और क्या करो, वाई अक्ष कीजिए। देखो परवल है, इस आकार का है, समझ गया, वाई वाई डैश हो गया, एक्स एक्स डैश हो गया। अब देखो ये इनका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ये देखो परवल का क्या हो गया, शीर्ष, और इसका केंद्र हो गया एक्स वाई प्लेन का। अब क्या कह रहा है, परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर। परावर्तक का व्यास क्या है, 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक खींच दो, खींच दिए। तो ये जो है परावर्तक, इनका नाम ए देते हैं, इनका नाम हम बी देते हैं, इनका नाम हम एम देते हैं। तो ए से बी तक की दूरी क्या है, ये इन परावर्तक का व्यास हुआ जी 20 मीटर में, सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब बोलो ए से एम तक की दूरी क्या होगा, 10 में होगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ओ से एम तक की दूरी कितना दिया है, तो कह रहा है कि गहराई 5 सेंटीमीटर है। गहराई क्या है, 5 सेंटीमीटर है, गहराई जो है आपको 5 सेंटीमीटर, यानी ओ से लेकर के एम तक की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये का निर्देशांक क्या होगा, 5 और 10 नहीं होगा जी, पहले एक्स का मान लिखते हैं, बाद में वाई का मान, कौन समझ लो। कह रहा है कि एक जो है ना परवल आकार का माना एओबी, मेरे साथ ही लिखते चलिए, माना एओबी पर वलयाकार परावर्तक सतह है, ओएम बराबर 5 सेंटीमीटर, एबी की दूरी कितनी है, 20 है ना, एएम की दूरी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर कर दो, ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर। परवलयाकार परावर्तक का समीकरण क्या होगा, पॉइंट 510 से जाती है, जाती है, इसीलिए एक्स के वाई के जगह क्या रखोगे, 10 का स्क्वायर चार गुना क्या है, 5 तो 10 दिन क्या हो गया, तो 20 × 5 = 100, 4 × 5 = 20। ये का मान क्या है, 5 आया। नाभि क्या होता है, फोकस, A0 समीकरण 6 सर जी, A0 होता है। ये का मान क्या आया, 5 और है कि एक मेहराव परवल के आकार का है, एक मेहराव है, परवल
देखो परवले का जो आकार का होता है परवले का फिगर नहीं होता है उसी को मेहराव कहते हैं। अगर कोई गया होगा तो यूनिवर्सिटी में देख लीजिए। वैसे ही समझो कि ऐसे लोग एकदम कभी कभी जो है घूमने वाने के लिए जाता है कहीं कहीं जो एकदम आता है ऐसे नहीं दिया जाता है एकदम जो है कि लोग जो ऐसे छत्ती जो देता है घुमा के समझ रहे है न। चलिए देखो हिसाब करो तो क्या है क्वेश्चन नंबर दो का एक मेहराब देखो आप यहाँ को अर्थ को समझो एक मेहराब है समझ गया परवले आकार का है तो ये क्या है मेहराब है क्या है परवले आकार का नहीं है न बोले कि परवल को हाफ काट दो परवले हो गया है आधा परवल अब पूरा परवल हो जाएगा तो लिप्त हो जाएगा दीर्घवृत्त हो जाएगा समझ गया। अब देखो हाफ परवल है ये समझो क्या हो गया हाफ परवल है ये सिंपल भाषा में तो एक मेहराब जो है परवल आकार का है। अब देखो तो फिर क्या कर रहा है पढ़ो सवाल तो पढ़ो इसका और दो आदर है इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है ना अक्ष ऊर्ध्वाधर है इसका अर्थ है कि वाय अक्ष के सदिश है इसको हम कौन पैराबोला कहते हैं बोलो अपवाद ये पैराबोला में कौन पैराबोला का प्रकार है अपवाद पैराबोला ऊंचाई कितनी दिया है ऊंचाई 10 मीटर तो यहाँ से ओ से लेकर के एल तक की दूरी क्या होगा 10 मीटर हो गया एकदम सिंपल भाषा में समझना है और ए से बी तक की दूरी कितनी है दिया है कि नहीं दिया है न एल से बी तक की दूरी क्या होगा होगा। अब बोलो पहले किसका मान देते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या कहेंगे नहीं कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या कहेंगे वाई का मान कितना है तो 5/2 10 हुआ ना। इस मेहराब का जो है समीकरण क्या होगा वाई एक्स के अनुदिश है बोले थे ना कि एकदम वाई एक्स के अनुदिश तो वाई गुना में होगा समझ गया ना इनको समझ चुका है। फिर कह रहा है हिसाब में ये जो केंद्र है यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर कितने मीटर की दूरी पर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया 2 मीटर 2 मीटर की दूरी पर जो है इनकी चौड़ाई क्या होगा इनके शीर्ष की चौड़ाई कितनी होगी तो यही निकालना है यानी पी क्यू की दूरी निकालना है क्या निकालना है अगर आपको बी की मान मालूम हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे तो पी क्यू निकल जाएगा। अब पी क्यू आएगा कैसे पी क्यू आएगा कैसे तो पहले बी का मान निकालना है बी का मान कहाँ से आएगा तो समीकरण से आएगा कहाँ से आएगा समीकरण। अब मान लिए है कि ये जो है एम क्यू इनकी दूरी कितनी है बी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2 है तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा बी नहीं होगा एक्स का मान बी वाई का मान 2 हो गया ना। अब देखो 5, 2, 10 किस समीकरण पर स्थित है x²y पर यानी x²4ay जो है 5/2 10 से जाती है इनको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा समीकरण को करेगा ना। तो देखो ए वो भी मेहराब हो गया जिसमें ए भी 5 सेंटीमीटर एल भी क्या होगा 5/2 मीटर ये ए भी 5 मीटर एल भी 5/2 मीटर ओ एल 10 मीटर मेहराब का समीकरण क्या होगा x²4ay। अब देखो 5, 2, 10 से जाती है ना एक्स का मान क्या होगा 5/2 एक्स का स्क्वायर है तो 5/2 का स्क्वायर ये 4 है यहाँ पर हो गया वाई का मान 10 है 25/2 क्या हो गया 4। अब देखो 4 ये और यहाँ पर क्या हो गया गुना 10 काटो तो 4 के 4
पाँचे पाँच दूनी चार चार का जोड़ करते चार एक का मान कितना हो गया पाँच बटा आठ निकल आया अब चार कम चार एक ये जो इनको समीकरण एक मान लो अब देखो चार एक का जो मान है समीकरण एक में रखने पर का मान समीकरण एक में रखने पर चार एक का मान किसमें रखेंगे समीकरण एक समीकरण एक में समीकरण एक में रखते हैं तो देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर चार एक जगह क्या रखोगे पांच बटे आठ हुआ है। अब ये मैरो का समीकरण हुआ कि नहीं हुआ अब किस बिंदु से जाती है ये बी टू से बी टू से जाती है बी टू से जाती है ना जी तो इसलिए जो है बी टू इस समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा करेगा ना तो बी का मान यहाँ रखो तो क्या होगा पाँच बटे आठ का मान क्या है दो है दो के आठ कट जाएगा दो के आठ बी स्क्वायर का यानी बी का मान क्या होगा दो होगा ना पी क्यू की लंबाई क्या होगा पी क्यू बराबर दो गुना भी होता है ना सर दो गुना क्या होगा रूट ओवर पाँच पाँच बटे दो दो कट गया रूट ओवर पाँच का अब देखो क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन को पढ़ो तो एक दर्शन भारी जूते के बीच परवले के रूप में लटकी हुई है सड़क पंद्रह सेंटीमीटर लंबा है तो ये वो मान के चलो कि सड़क है एक सड़क है तो ये हो गया ये बी क्या है एक सड़क है ये भी क्या है सड़क है और इसकी जो लंबाई है 100 मीटर है यस सर 100 मीटर हो गया ना अब देखो तो तुम लोग केबिल का तार देखा है पुल उल देखा होगा तो पुल पर नहीं होता है कि मान के चलो कि ये धार है नीचे तो ऊपर से बलिया बांध के या पाइप दे के उसके अंदर होके तार को नहीं निकाल देता है निकाल देता है ना या कहीं बड़े शहर जाओगे तो ओवर ब्रिज देखा होगा ऊपर होके जो सड़क रहता है पटना में समझ गया ओवर ब्रिज देखा है जी जमीन से जो ऊपर रहता है ऊपर से सड़क जो होता है तो समझो कि ये पुल जो है ये सड़क जो है ऊपर की ओर है ये क्या है ऊपर की ओर है यानी जमीन से लगा रहा था तो जमीन से होकर रहा था तो उनका ऊंचाई तो नहीं निकलता जी मतलब ऊपर है या तो पुल है या पुले पर सड़क नहीं रहता है जी या तो ओवर ब्रिज है तो यहाँ पर सड़क है तो समझ लो ये सड़क है ये क्या है सड़क है एगो केबिल का जो तार है ये इस रूप में जो है परवलय के रूप में लटका हुआ है केबिल का जो तार है किस रूप में लटका हुआ है ये परवलय का आकार हो गया ना कि नहीं हो गया इनको जो है दो गो सपोर्ट तार के द्वारा लटकाया गया है दो गो सपोर्ट तार तो इस तार की लंबाई क्या है 30 मीटर एगो और तार के द्वारा सपोर्ट दिया गया है बीच में टेढ़ा नहीं हो एक और तार के द्वारा सपोर्ट दिया गया है तो देखो
बना लेते हैं सब तब सुबह से आकार लेकर चित्र में ना ना पहले समझ लिया कहाँ पर अठारह अठारह है चलो यहाँ से ओ से कोऑर्डिनेट क्या लिखे कहाँ पर अठारह कोमा बी बी है देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अठारह है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा अठारह कोमा बी इसीलिए एम बी बराबर इसीलिए एम बी बराबर 50 मीटर समझ गया एम ई बराबर एम बी ए खोजी ना चौबीस मीटर हो गया बी के निर्देशांक बी के निर्देशांक क्या होगा 50.24 50 हो गया एक्स का मान 24 हो गया हाँ लिखो ना बी के बराबर हम लिखा है चीज तो बी बराबर तुम लिख लिया एम ई एम ई लिखा है कि बी तुम लिख लिया एम ई लिखा है एम ई बराबर 30 मीटर एम ई का मान कितना है सी का हम मान बोलेंगे कितना होगा उसके बाद बी डी का मान कितना होगा 30 नहीं होगा जी सर तीनों तीसरे होगा तीनों क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच है यदि क्वेश्चन पढ़ करके चित्र समझा दीजिए बस थोड़ा सा तो एक और तीन है बंद तोड़े कैलकुलेशन हम जाए तो उसका इंग्लिशों में समझ जाए इनका जो है समीकरण क्या है क्या होगा तुम बोलेगा इनका समीकरण क्या होगा बोल देंगे क्या दीजिएगा है एगो लड्डू बोल दो ना अभी जे छे तोरा जे छे दू करती के सलामी दे जानते हैं एक्स स्क्वायर और ए वाई चलिए इनका समीकरण क्या होगा एक्स स्क्वायर और ए वाई अब स्क्वायर और ए वाई हो गया अब बोलो ये 50-24 से होकर जाती है ना एक्स का मान क्या रखोगे 50 के स्क्वायर 2500 हो गया ये चार है और ये 24 हो गया ना तो लिखिए चार बराबर क्या हो गया थोड़े बराबर 2500 हो गया ना कटेगा सब्जी चलिए अब इसमें रख दीजिए मान काटना नहीं है 2500 बटे क्या होगा 24 वाई ये समीकरण एक मानो मान लिया है अब देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है 18 भी ना 18 भी है ना इसको अब वो संतुष्ट करेगा 18 18 भी इस समीकरण एक को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा एक्स की जगह क्या रखोगे 18 का स्क्वायर ये 2500 अब अटे क्या हो गया 24 और वाई का मान क्या रखोगे बी बी का मान निकालो कितना होगा बी का मान 18 × 18 = 324 18 × 18 गुणा क्या होगा 24 अब बटे क्या होगा कौन लड़का बोलेगा ये लड़का बोलेगा ज्यादा बोलने वाला गणेश
गणेश शांत लड़का छे सबसे क्या गणेश के उद्नाम करै छो तू बोल भी रे शायद हटिए तो क्या होगा नीचे में क्या होगा पच्चीस नीचे में क्या होगा पच्चीस कौन होगा पच्चीस 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 साँझ के चोरी करी ना रात में तू छुपे वाला छे दिन में छह बजे के चोरी करी सात बजे के वो डकैती जे ते क्या अथी करे छे चोरी करने चले वाला छे ई डकैती जे मारबी ई 2525 में अंतर छे कि नहीं छे लड़का जो है क्लास में सबको खुश कर देता है चौबीस मतलब ऐसे लड़का जो है रहना चाहिए चौबीस कंफ्यूजन सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। यस सर। कोई करता है सवाल इस लड़का पर हम गुस्साते जरूर है लेकिन खुश है और तुम लोग एकदम शांत रहते हो सवाल नहीं करता है समझो अंधून पूछे अब बी का मान निकाल लेगा आप क्या करोगे बी का मान निकाल लोगे किसमें रख दोगे ये समीकरण लोगो बी का मान निकाल के समी ये बी के स्थान पर रख देना है यस सर समझ गया ना आप बी के मान अभी सब गुना कह दिया 2500 से भाग दिया समझ गए बी के स्थान पर रख दिया जे हेते ना जोड़ के वह तो आराम से ऐसे फिगर बना लो तो कह रहा है कि एक मेहरा अर्ध दीर्घ वृत्ताकार रूप में तो अर्ध पर रहा है ना तो समझ लो इधर से ऊपर ये नहीं भी बनाएगा ना फिगर कोनो बात नहीं क्योंकि अर्ध कर रहा है चलो इसको मिटा ही देते मिटा दिए इस तरफ से दे सकते हैं उसके बाद देखो ये 8 मीटर चौड़ा है या क्या है 8 मीटर चौड़ा है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है देखिए बोर्ड पर हमारे साथ देखिए आप प्रत्येक सवाल को समझोगे देखो स्पष्ट है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 8 मीटर है दीर्घ वृत्त कैसे बनता है अंडे आकार का नहीं बनता है इनका नाम हम देते हैं ए इनका नाम हम देते हैं बी दे दिए ना इनको हम मान लेते हैं ओ समझ गया और इसको हम क्या नाम दे दे बोलो ये देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 8 मीटर हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा 4 मीटर होगा ना उसके बाद ऊंचाई देखो केंद्र से कितनी ऊंचाई है 2 मीटर यानी ओ से सी तक की दूरी क्या हो गया 2 मीटर दो ने हो गया तो ये जो मान होता है ये किसका मान होता है ए का और ये किसका मान होता है नहीं होता है बी का मान होता है ना नहीं पाए थे जी इलिप्स का समीकरण जी सर तो ये किसका मान होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाले ये का ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मानते हैं ये मानते हैं फिर कह रहा है कि केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है ऊंचा हो गया कह रहा है कि एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहरों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए एगो सिरा से 1.5 मीटर की दूर बिंदु पर तो एगो सिराई बी हो गया नहीं हो गया इनसे 1.5 मीटर की दूरी पर तो समझो 1.5 मीटर की दूरी यहाँ पर है नहीं है 1.5 मीटर की दूरी पर मेहराओं की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यानी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी ज्ञात कीजिए ये ऊंचाई इनका हुआ तो इनको नाम हम देते हैं एम और क्या देते हैं एन यही एम एन आपको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है एम एन ज्ञात करना है तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया 1.5 मीटर कह रहा है एंड पॉइंट से हिसाब में कह रहा है कि एक अंत बिंदु से 1.5 मीटर की दूरी पर मेहरों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा 3.5 मीटर कुल दूरी जो है 4 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया 1.5 तो क्या होगा अढ़ाई नहीं होगा अब देखो आप हम क्या मान लो एम एन की दूरी को हम क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं स्मॉल बी
या बी ले ही चुके हैं तो कुछ और मान लो, क्या मान ले बोलो, सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ये नहीं, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी हुआ, समझ गया, और तो कुछ ले लो, डी मान लीजिए, कोई बात नहीं है, छोड़ो, ये समझो कि MN की ऊंचाई क्या है, सी है, तो इनका N का निर्देशांक क्या होगा, N का निर्देशांक क्या होगा, ए बोलो 1.5 क्या होगा, 1.5 तो Y का मान हो गया 1.5 कितना होगा, 1.5 होगा, मारेंगे हम, ये भी तो यहाँ से x x की लंबाई होगा, देखो कैसे फिगर समझ गया कि नहीं समझ गया, अब यही ना सी ज्ञात करना है, यही क्या करना है, सी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है, तो अब देखो यहाँ पर लिखेगा यहाँ दिया है, ए बराबर आपको क्या हो गया 4 मीटर, बी बराबर आपको क्या हो गया 2 मीटर, समझ गया, लेफ्ट MN बराबर क्या हो गया आपको सी माने है ना, अब देखिए BM बराबर आपको क्या है 1.5 मीटर न है, इसीलिए OM बराबर क्या होगा OB का मान क्या है 4, MB का मान क्या है 1.5, क्या हो गया 2.5 मीटर हो गया, N का कोऑर्डिनेट आपको क्या हो गया 2.5 और सी, अब देखो इलिप्स का समीकरण क्या होता है यानी इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे क्या होता है स्क्वायर बराबर एक होता है, आप बोलो एक्स स्क्वायर एक्स का मान क्या है 2.5, एक्स का मान क्या है 2.5, यहाँ पर क्या रखोगे 2.5 का स्क्वायर होगा कितना होगा ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 4 स्क्वायर 16, ये क्या है प्लस है प्लस देगा वाई स्क्वायर बटा 4, तो वाई का मान क्या है ज्ञात करने के सी है, वो तो सी है ज्ञात करना नहीं है, सी स्क्वायर हो गया बटा 4, बी का मान कितना है 2.4 बराबर क्या हो गया 1, अब सी का मान नहीं निकाल लेगा ना सर उतार, निकाले दीजिए सी का मान निकाल लेते हैं, तो लो निकाल ही देते हैं, इसमें है क्या, तो 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा ना, आप 2.5 का होल स्क्वायर है तो क्या होगा 6.25 प्लस, आप देखो 4 चौके 16 को सी स्क्वायर में क्या करो 4 सी स्क्वायर होगा ना जी, बराबर 1, उसके बाद देखो कोना कोनी गुना होगा जी 16 होगा बराबर 16 हो गया जी, 4 सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 माइनस 6.25 तो क्या होगा 9.75 होगा ना, या सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 9.75 बटे 4 भाग दो तो 4 × 2 = 8, देखो यहाँ पर ऐसे भाग दे दो 9. क्या हो गया 75 हो गया, 4 × 2 = 8 एक हुआ 7 उतार दो यहाँ पर दो 4 × 4 = 16 हो गया, उसके बाद एक हुआ यहाँ पर क्या हो गया 15 तो 4 × 3 = 12 तो 2.5 क्या हो गया 4 × 3 या सी बराबर क्या होगा √2.43 क्योंकि ऊंचाई है तो निगेटिव नहीं लेना है, तो 2.5 क्या होगा स्क्वायर हटा तो 4/3 होगा ना, इनका निकालो वर्गमूल क्या होता है 2.43 का वर्गमूल निकालो
एक से देगा ना जी, एक हो गया, एक एक क्या हो गया, दो दो। अब देखो डायरेक्ट ये दोनों संख्या उतर आएगा तो क्या देंगे, अगर सात से गुणा करेंगे तो सात सत्तर उनचास, सात दुनी बढ़ जाएगा, छो देंगे छो छा के छत्तीस, छो देना बारह तीन पंद्रह, उससे भी बढ़ जाएगा तो पाँच से देंगे पच्चीस। आप छोड़ दो ना, इतना करना क्या, ये आपको एक दशमलव पाँच कुछ आएगा, नहीं आएगा ये मीटर उनका आंसर। लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशांक्षों को स्पर्श करते हैं, निर्देशांक्षों। एक चीज देखो, एक वो होता है निर्देशांक, क्या होता है निर्देशांक, निर्देशांक ये चीज एक अलग होता है। जैसे मान के चलो कि कोई बिंदु लेते हैं एक्स अक्ष पर चार लिए और लंबवत में खींचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं निर्देशांक, क्या बोलते हैं निर्देशांक। अब जो एकदम दोनों को एकदम कटान इधर से एक्स अक्ष से भी एकदम एक्स के अक्ष के ऊपर लंब खींचा और वाई एक्स से इधर लंब खींचा, कटान बिंदु जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं निर्देशांक बोलते हैं। तो कह रहा है को स्पर्श करते हैं क्षर के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो X अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है, समझ गया। तो ऐसे पहले X अक्ष और Y अक्ष खींच देना, खींच दिए एगो 12 सेंटीमीटर क्या है लंबी छड़ है, 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, ऐसे कर दो। इनका जो है एंड पॉइंट अक्ष को छूता है कि नहीं छूता है, छूता है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, इनका नाम क्या दे दे, ए, इनका नाम हो बी, ये ओ हो गया। फिर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि छड़ के बिंदु पी का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। अब देखो तो ई क्या हो गया, एक्स अक्ष हुआ ना जी, ई वाई अक्ष हुआ ना, तो एक्स अक्ष वाले सिरे से एक्स अक्ष वाले क्या सेंटीमीटर दूर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया नहीं हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखो एक्स अक्ष के समांतर एगो रेखा खंड खींचो, खींच दिए, इनका नाम एम, इनका नाम हम क्या रख देते हैं पी रख देते हैं, पी बोल रहा है इसलिए पी रख दिए। अब देखो इनका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, इनका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं एक्स और वाई। जब बी से पी की दूरी 3 मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो बोलो पी से ए की दूरी क्या होगा, नौ नहीं होगा, कम ना 9 3 12 पूरा पड़ेगा जी। तो यहाँ पर लेना है कि ए भी बराबर गिवन क्या दिया है, ए भी बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो बीपी बराबर, बीपी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखो लेट एपी बराबर 9 सेंटीमीटर। पी एक्स वाई मान लिए कि पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है ना। अब देखो इनको मान लो ये यहाँ से भी यहाँ एक लंब डाल दो, इनको हम मान लेते हैं एन, समझ गया जी। अब देखो तो पी एक्स वाई ये मान लिए हैं और यहाँ पर क्या करते हैं पी एन लंब किस पर डाले हैं, ओ बी पर डाले हैं जी। अब देखो अगेन लेट एंगल ए पी एम बराबर थीटा, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा
केन होगा जी, जी। संगत कौन है, ये क्या है, समांतर रेखा है ना, तो ये देखो ये कौन क्या होता है, संगत कौन ने होता है जी, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल ए एम पी ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो ए एम पी ऐसे कर दो कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, देखो थीटा यहाँ पर है तो आंख कहाँ पर है, यहाँ पर ना है, सामने का ये रेखा क्या हो गया, लंब, ये इनसे लगे क्या हो गया, आधार, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या हो गया, एम पी, कर्ण क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। अब देखो एम पी क्या है, एम पी को क्या माने हैं, ये एक्शन है जी, पी का कोऑर्डिनेट एक्स है, तो ये इसका अर्थ हुआ कि ओ से एन तक की दूरी क्या होगा, तो देखो जो ओ एन की दूरी है वही ना एम पी की दूरी होगा, नहीं होगा जी, इनकी भी दूरी क्या होगा, एक्शन होगा, इसलिए एम पी के बदले हम क्या रख सकते हैं, एक्शन रख सकते हैं। ए पी का मान कितना है जी, ए पी का नाम कितना मान, नौ हो गया, सेंटीमीटर। अब इनको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, ए इन ट्रायंगल, अब देखो पी एन बी, पी एन बी इसमें देखो साइन थीटा लेंगे, इसमें क्या लेंगे, साइन थीटा, क्यों साइन थीटा इसमें लेंगे, इसमें कोसे थीटा क्यों लगाए, साइन थीटा क्यों लगाए, इसका भी रीजन है क्योंकि आपको इसमें इसका मान आपको मालूम था, समझ गया ना, इसमें आपको इसका मान मालूम नहीं है कि कोस थीटा लगाएंगे, इसका मान मालूम है, यानी लंब का मान मालूम है और कर्ण का मान मालूम है, तो बोलो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, इसलिए साइन थीटा लिए, क्यों लिए साइन थीटा, क्योंकि लंब और कर्ण का मान मालूम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, ये y हो गया, बोलो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी पी एन बटे पी बी, पी एन का मान क्या है, पी एन का मान y हो गया और पी बी का मान, पी बी का मान 3, ये समीकरण 2, दोनों को वर्क कर जोड़ने पर, दोनों को वर्ग कर जोड़ने पर, तो दोनों को वर्ग कीजिए, एक्स स्क्वायर बटे क्या होगा 9, अच्छा 9 = 81 हो गया, वाई स्क्वायर 9 हो गया, कोस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर होगा ना, इनका मान क्या होता है, वन होता, तो बोलो एक्स स्क्वायर बटे क्या हो गया 81, वाई स्क्वायर बटे क्या हो गया 9 बराबर 1, यही ना आंसर हुआ। देखो कड़ाई की त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो पर वाले एक्स स्क्वायर बराबर 12y के शीर्ष को इसकी नाविलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखा से बना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 12y, यानी y गुना है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है आपको, 12y दिया है ना जी, तो बोलो पैराबोला जो होगा किस अक्ष के अनुदिश होगा, मारेंगे अक्ष के अनुदिश, समझ गया, हो गया ना, ऐसे मिला देते हैं, ये
इनका नाम ये इनका नाम हम बी रखे, इनका कोऑर्डिनेट क्या निकल आया जीरो जीरो और इनका समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर क्या है बारह वह है ना। अब देखो आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए तो ओ ए बी का क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, तीनों शीर्ष मालूम, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए क्षेत्रफल निकलेगा। एगो शीर्ष तो मालूम है जीरो जीरो, अब ए ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, तो ए ज्ञात करने के लिए मान के चलिए आपके पास एक्स और वाई का मान होना चाहिए ना, किसका मान होना चाहिए तो पहले करेगा क्या कि इसका शीर्ष निकाल लेते हैं, इसका हम शीर्ष निकाल लेते हैं। तो इनका जब शीर्ष आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर ए जीरो न होता है, क्या होता है ए जीरो, ये इधर है तो जीरो ए होगा, क्या होगा जीरो और ए। तो निकालो तो ये का मान कैसे निकलेगा, तो देखो चार ए अब बराबर क्या हो गया बारह, चार तीन बारह तीन, ये का मान क्या निकलेगा तीन निकल आया। इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो जीरो तीन, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया जीरो तीन हो गया ना जी सर तीन। अब देखो तो ये किसका मान है वाई का, ये किसका मान है वाई का मान है ना, तो बोलो वाई का मान जब आपको मालूम है वाई बराबर अब क्या हो गया है तीन हो गया है, वाई का मान क्या हो गया तीन, और गिवन इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर बराबर बारह तो वाई के जगह एक्स स्क्वायर बराबर क्या है बारह वाई का मान। यहाँ पर देखो वाई का मान क्या है तीन, यहाँ पर क्या रखोगे तीन, तो भर दिया एक्स का मान क्या होगा प्लस माइनस सो, एक्स का मान क्या होगा प्लस माइनस सो हो गया ना, एक्स का दो गुना मान हुआ, एक्स का क्या गो मान हुआ दो गो मान, तो एगो क्या होगा छ और तीन, अब बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा कौन नहीं समझा, कौन नहीं समझा बोलो, नहीं समझे हो, देखो अब जो हम ये जो बिंदु निर्धारित करेंगे कैसे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गया तो आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तीन है ना, तो यहाँ से वो लम खींचेगा यहाँ से लम खींचेगा तो समझो कि कटान बिंदु ये है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा छो तीन, पहले किसका मान लिखते हैं एक्स का और फिर किसका मान लिखते हैं वाई का, तो वाई का मान क्या है एक्स का मान क्या है प्लस माइनस छो, ये कौन कोऑर्डिनेट निर्देश ये जो है चतुर्थांश है प्रथम चतुर्थांश है ना, तो दोनों पॉजिटिव में होता है कि नेगेटिव वाला मान लेगा, और नेगेटिव वाला एक्स का मान किस चतुर्थांश में होता है इसमें होता है, तो इसका अर्थ है कि माइनस चौबीस में आएगा द्वितीय में आएगा, अब समझा इसलिए ए का निर्देशांक क्या होगा छोटी, इसका क्या होगा। अब ट्रिक हम आपको क्या लिखाए थे ए का निर्देशांक छो तीन और बी का क्या हो गया माइनस छो तीन, और ट्रिक जो हम लिखाए थे क्षेत्रफल तेईस इकतीस बारह लिखाए थे ना, तो यहाँ पर दो एरिया ए आर से क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिंगल, कौन ट्रिंगल तो कुछ और ओ ए बी ले लो ओ ए बी, तो क्या होगा वन बाय टू एक्स वन मोड़ चाहो अगर माइनस में आ जाएगा तो मोड़ लगा करके तभी हम माइनस को खत्म करते हैं, नहीं तो चाहो तो यहाँ पर भी लगा दो एक्स वन तेईस होता है ना, तो यहाँ इसका अर्थ हो गया वाई टू माइनस वाई थ्री, अब प्लस क्या होता है एक्स टू एक्स टू, अब देखो इकतीस है ना वाई थ्री वाई माइनस वाई वन प्लस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री।
अब देखो इधर नीचा कवर नहीं कर रहा है, इधर तक यहाँ तक करेगा जी सर। वन बाय टू एक्स वन का मान क्या होगा बोलो तो, ये आपको एक्स वन, ये वाई वन, ये आपका एक्स टू, ये वाई टू, ये आपका एक्स थ्री, ये वाई थ्री। तो एक्स वन का मान क्या है आपके पास? जीरो। जीरो है, ये पास ये जीरो हो गया, उन पर तो मत ही मत लगाओ, ये सब वाला मान जो है रखो ही मत, क्योंकि एक्स वन जीरो भी है तो डायरेक्ट जीरो ही करेगा, समय बर्बाद नहीं करना है। ये प्लस है तो यहाँ पर क्या दोगे? प्लस। एक्स टू का मान क्या है? फिर देखो वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री का मान तीन माइनस क्या होगा? जीरो। तो तीन होगा। अब देखो एक्स थ्री है ना, एक्स थ्री का मान क्या है? माइनस माइनस एक्स थ्री होगा, माइनस छो। अब क्या है वाई वन माइनस वाई टू, तो जीरो माइनस थ्री हो गया। अच्छा क्षेत्रफल है, कोई यूनिट नहीं दिया है, यहाँ पर लिख देना स्क्वायर यूनिट। देखो एक्स, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? बारह हुआ है ना, जब एक्स स्क्वायर बराबर बारह हुआ है तो देखो वाई गुना है तो वाई एक्स के अनुदिश होगा ही, पढ़ वाले समझने वाली कोई चीज है ही नहीं, ये मूल बिंदु है जीरो जीरो होगा ही। ऐसे यहाँ पर एक लाइन की तो इनको मिला दे तब ना त्रिभुज बनेगा, ऐसे बना देगा परवले में ही, परवले के अंदर डायरेक्ट खींचेगा लाइन तभी ना त्रिभुज बनेगा। इनका निर्देशांक क्या होगा? एक्स और वाई का जो मान निकला है बारी बारी से नहीं रखेगा, और दिक्कत है फिगर में। एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे दो झंडा चौकियों के बीच की दूरी का योग सदैव कितना मीटर रहता है? 10 मीटर। दो झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखो आकार इनका ऐसे बनेगा, परवल आकार का बना दिए, तो यहाँ पर जो है एगो झंडा यहाँ पर गाड़ा, एगो झंडा यहाँ पर गाड़ा, इनके बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 8 मीटर। ये जो ओ हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? 4। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा? 4। इसका निर्देशांक क्या होगा बोलो तो? 4 0। और इसका क्या होगा? -4 0। समझ गया ना? अब देखो एगो बिंदु इस पर एक बिंदु P है, इनका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई, क्या मान लिए? एक्स वाई। तो यहाँ से यहाँ को मिलाओ और यहाँ से यहाँ को मिलाओ, समझ गया? तो कह रहा है ना बिंदु पथ के दूरियों का योग सदैव क्या होता है? नियत। नहीं 10 दिया है ना, यहाँ पर तो दिया है योग 10 मीटर रहता है, क्या रहता है? 10 मीटर। यानी पी एफ वन जोड़ पी एफ टू बराबर 10। उसमें हाइपरबोला में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। अब इसमें जो है इलिप्स में हम क्या बताए थे? जोड़ते हैं। तो बोलो आपको क्या दिया है? गिवन एफ वन एफ टू बराबर 8 मीटर, इसीलिए ओ एफ वन बराबर क्या होगा? 4। ये -4 होगा ना? जी सर। निगेटिव होगा जी। और ओ एफ टू बराबर क्या होगा? +4 होगा, कितने होगा? तो अब देखो ये तो हो गया जी, ये चीज आपको मालूम हो गया। अब आपको करना क्या है? इनका समीकरण ज्ञात करना है, इनका क्या करना है? समीकरण समीकरण ज्ञात करना है।
तो नाव मतलब क्या होता है? अब अच्छा ये जो मान है नाभि जो आपको निकल के आया है ये नाभि ये न हुआ, ये किसका मान होता है? सी का। ये किसका मान होता है? ये किसका मान हो गया? सी होता है ना। अच्छा समीकरण के लिए आपको क्या चाहिए? ये कैसा आकृति बना? दीर्घवृत्त का। किसका बना? दीर्घवृत्त। तो इसके लिए इसके समीकरण के लिए आपके पास क्या सब चाहिए? ये चाहिए और बी चाहिए। क्या चाहिए? ए और बी चाहिए। समझ गया ना। अच्छा आपके पास जो है मालूम क्या है? सी का मान मालूम है। सी का हम लिखेंगे पी एफ वन प्लस पी एफ टू बराबर दस। यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी क्या है? दस है। तो पी एफ वन है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करो तो क्या होगा? एक्स प्लस चार का होल स्क्वायर रूट में एक्स प्लस चार का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़। पहले इनका समीकरण लिख लो क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक होता है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों की दूरियों का योग कितना है? दस है ना। इसलिए ए का मान जो होगा दस बटे दो कितना हो गया? पाँच। दोनों के दूरियों का योग यानी ए प्लस ए क्या हो गया? टू ए न हो गया। टू ए बराबर क्या हो गया? दस। इसलिए बराबर पाँच। सी का मान कितना है? चार है ना। सी स्क्वायर बराबर क्या होता है बोलो तो? इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। समझ गया ना। बी स्क्वायर का ना मान चाहिए तो बी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मान क्या होगा? चार चौके सोलह। उसके पश्चात देखो ये बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर लेंगे तो ए स्क्वायर में से घटेगा पच्चीस। तो पच्चीस माइनस क्या होगा? उसके बाद बी सी का मान जो है चार है, चार चौके सोलह। ये यहाँ पर होगा नौ। बी का मान क्या आ गया? अच्छा बी स्क्वायर का मान नौ रहा नहीं तो डायरेक्ट मान बैठा ना है तो एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान क्या होगा? पच्चीस। पच्चीस वाई स्क्वायर और देखो बी स्क्वायर का मान क्या है? नौ बराबर क्या हो गया? एक आंसर हो गया।